रेलवे 1 जुलाई से अपने मौजूदा नियमों में कई बड़े बदलाव करने जा रहा है। रेलवे ने लोगों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए वेटिंग टिकट के झंझट को खत्म करने का फैसला किया है। वहीं तत्काल टिकट के नियमों में भी भारी बदलाव किया है। 1 जुलाई से तत्काल टिकट कैंसिलेशन पर 50% की राशि वापस की जाएगी। यानी 1 जुलाई से तत्काल टिकट को कैंसिल कराने पर रेलवे 50% पैसा रिफंड करेगा। इससे पहले रेलवे तत्काल टिकट कैंसिल करने पर एक भी पैसा रिफंड नहीं करता था, चाहे वो टिकट ऑनलाइन बुक कराई हो या फिर टिकट काउंटर से लिया गया हो। सुविधा ट्रेनों में टिकट वापसी पर 50% किराए की वापसी होगी। इसके अलावा SC2 पर ₹100, SC3 पर ₹90, स्लीपर पर ₹60 प्रति यात्री कटेंगे। वेटिंग लिस्ट का झंझट खत्म हो जाएगा। रेलवे की ओर से चलाई जाने वाली सुविधा ट्रेनों में यात्रियों को कंफर्म टिकट की सुविधा दी जाएगी। 1 जुलाई से तत्काल टिकट कैंसिल करने पर 50% राशि वापस की जाएगी। 1 जुलाई से राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में पेपरलेस टिकटिंग की सुविधा शुरू हो रही है। इस सुविधा के बाद शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में पेपर वाली टिकट नहीं मिलेगी, बल्कि आपके मोबाइल पर टिकट भेजा जाएगा। जल्द ही रेलवे अलग अलग भाषाओं में टिकटिंग की सुविधा शुरू होने जा रही है। अभी तक रेलवे में हिंदी और अंग्रेजी में ही टिकट मिलती थी, लेकिन नई वेबसाइट के बाद अब अलग अलग भाषाओं में टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। रेलवे में टिकट के लिए हमेशा से मारा मारी होती रही है। ऐसे में 1 जुलाई से शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई जाएगी। भीड़ भाड़ के दिनों में रेलगाड़ी में बेहतर सुविधा देने के लिए वैकल्पिक रेलगाड़ी समायोजन प्रणाली, सुविधा ट्रेन शुरू करने और महत्वपूर्ण ट्रेनों की डुप्लीकेट गाड़ी चलाने की योजना है। रेल मंत्रालय ने 1 जुलाई से राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के तर्ज पर सुविधा ट्रेन चलाई जाएगी। 1 जुलाई से रेलवे प्रीमियम ट्रेनों को पूरी तरह से बंद करने जा रहा है। 1 जुलाई से RSC टिकट को भी कंफर्म माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।